हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। सो उस अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा एंड बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका बेसिक सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं आपके थ्योरी एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो पहले हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद आपको सिलेबस बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस पर्टिकुलर यूनिट से कवर करने हैं। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18 एक्सेप्ट हीलियम आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आपने पढ़ा भी होगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, हीलियम को छोड़कर सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप 13 से लेकर बोरोन से लेकर ये जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हीलियम को छोड़कर ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट आते हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बीएससी एंड एमएससी लेवल में जनरली 2 मार्क्स में पूछा जाता है जनरल प्रॉपर्टीज। सो सिंपल से पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो है, इन दिस द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर द पी सबसेल्स, हेंस देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP1। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं पी ब्लॉक के, उनके जो सभी एलिमेंट के जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो पी सबसेल में एंटर होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बोरोन का अगर एग्जांपल लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, ये जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये पी सबसेल में होता है। ठीक है, मतलब इसके जो एस सबसेल होंगे ये फुलफिल होंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम नाइट्रोजन का भी एग्जांपल लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो यहां पे s में जो s सबसेल पूरा फुलफिल है एंड जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में जाएंगे, p सबसेल में जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है कि NS2 एंड NP1 होता है, मतलब कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो P सबसेल में होंगे। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आप देखेंगे हीलियम को छोड़कर, जितने भी P ब्लॉक एलिमेंट हैं, इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो P सबसेल में होगा। ठीक है, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है, दिस आर यूजली नॉन मेटल्स आर सब मेटल्स। ठीक है, ये जो जितने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो है यूजली नॉन मेटल्स होते हैं या फिर सब मेटल होंगे। ठीक है, एंड देयर आर ऑल्सो सम हैवी एलिमेंट्स लाइक बिस्मत एंड लेड। ठीक है, इस पी ब्लॉक एलिमेंट में बिस्मत एंड लेड भी पाए जाते हैं, जो कि हैवी एलिमेंट्स हैं। All types of elements like solid, liquid, gas, active, inert gas, etc. come under these sections. So, सभी type के elements P block elements के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो भी elements होंगे solid form में होंगे, liquid properties भी show करेंगे, gas property के भी होंगे, active होंगे, inert gas होंगे, ये सभी type के elements जो है P block elements के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट का जो थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज ग्रुप 18 से रिलेटेड। सो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट होते हैं इन्हें जीरो ग्रुप या फिर इनर्ट गैस कहा जाता है। इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये जनरली एसिडिक होते हैं। सो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये जो होंगे ये इन्हें जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स या फिर इनर्ट गैसेस कहा जाता है। और इनके जो ऑक्साइड्स होंगे, इनसे जो ऑक्साइड बनेंगे वो जनरली जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। एंड दे ऑफन फॉर्म कॉम्प्लेक्स एनायन लाइक CO3-2- NO3- SO3-2-। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जनरली 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप ये तीन पॉइंट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 के जो जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप 13 में आपका आता है बोरोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ये बोरोन है, इसके कारण इसका जो नाम हो गया, ठीक है, बोरोन फैमिली हो गया, मतलब इसके अंतर्गत जितने भी आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये जो आएंगे ये बोरोन फैमिली के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये बोरोन है। इसी प्रकार ये कार्बन फैमिली हो जाएगा, ये जितने भी एलिमेंट है ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन जो है हेलोजन फैमिली। ठीक है, ये आपका हेलोजन फैमिली हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे हैलोजन फैमिली। तो इस प्रकार से आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे हर एक फैमिली को, जैसे बोरोन फैमिली का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको डिटेल में समझेंगे, इसके बाद कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हैलोजन फैमिली। तो इस प्रकार के एक एक करके आगे हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप बस बेसिक ध्यान रखिए जनरल प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, हीलियम को छोड़कर सभी होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब बेसिक सिलेबस आपको एक बार दिखा देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको जो है इस पीडीएफ में मिलेंगे एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में लिंक मिलेगा जहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ये सभी टॉपिक्स डिटेल में मिलेंगे। हर एक टॉपिक आपको सेमेस्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिटेल में मिलेगा। डेफिनेटली इस नोट्स को लेने के बाद आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रिपरेशन के लिए किसी दूसरे सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। सो उस पर्टिकुलर पीडीएफ में ये सभी टॉपिक्स डिटेल में मिलेंगे एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाते जाऊंगा जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड इसको आप अपने शब्दों में भी एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हम आगे आने वाले वीडियोस में इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड आज हमने इसका जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आगे के वीडियोस देखने हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।